आज का ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो मेंसुरेशन चैप्टर से थोड़ा दूर भागते हैं और वो करीब से समझना चाहते हैं कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया की कंसेप्ट क्या है। तो उसी में से आज एक छोटी सी कंसेप्ट पे हम बात करने वाले हैं। जिस 3D शेप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। ये सिंगल 3D शेप है और इसे बनाया गया है इन दोनों से। ये आपको मालूम है ये कोन है और ये हाफ स्फीयर है, हेमी स्फीयर इसे हम कहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम की भी और TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया की। एक बार इसको अलग अलग एंगल से आप देख लो कि ये फिगर जॉइंट करने के बाद कैसा ये बनने वाला है। तो कुछ ऐसा बनने वाला है, किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ये आप कॉर्नेटो की तरह भी आप इसे समझ सकते हो, मोर और लेस कुछ ऐसा समझ सकते हो, या जो कुछ भी आपको समझना है आप समझ सकते हो। बट देख लो ये कैसा है, हर एक एंगल से मैं इसको दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं, राइट ना। ओके, अब देखो वॉल्यूम वाले केस में आमतौर पे प्रॉब्लम ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि सिंपली आपको दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देना है। मैं चलिए करके सो भी कर देता हूं। अगर इसकी वॉल्यूम आपको निकालनी है तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होगी बता सकते हो आप क्या? तो ये होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो मैंने वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा, अब लिखते हैं इसकी वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब, राइट ना, 2/3 पाई आर क्यूब। बस यहां थोड़ा सा ये चीज को ध्यान में रखना कि दोनों जगह हमने जो आर है वो अलग अलग लिखा है। मैंने ये कंसीडर किया है कि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर मैंने कंसीडर किया है, जबकि इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर कंसीडर किया है। क्योंकि आप ये खुद ही देख करके समझ सकते हो कि दोनों की रेडियस सेम नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी रेडियस कम है और इसकी रेडियस ज्यादा है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कंसीडर किया है। और अगर दोनों की रेडियस इनके सेम होती तो हम दोनों को कॉमन स्मॉल आर या कैपिटल आर ही कंसीडर करते। तो खैर जो भी है, ये रहा फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए, अगर इसकी आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हो तो। लेकिन जो टेक्निकल कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है इन केस ऑफ टोटल सरफेस एरिया। चलिए बात कर लेते हैं TSA की, टोटल सरफेस एरिया की। इस फिगर की जो टोटल सरफेस एरिया होगी उसको देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। टोटल सरफेस एरिया मैंने लिखा। अब देखो सबसे पहले आपको इसका एरिया लेना पड़ेगा। ये हाफ स्फीयर है और इसका जो कर्व वाला यानी कि ऊपर वाला पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr², राइट। तो चलिए इसके लिए मैंने लिख लिया। अब इसका जो कर्व वाला है इसके लिए तो आप सबको मालूम ही होगा पाई आर एल होता है, बट आर हमें यहाँ स्मॉल वाला लेना पड़ेगा और एल तो आप कुछ भी ले लो, कैपिटल या स्मॉल जो भी है, वो ये वाला स्लैंट हाइट इसको कहते हैं हम लोग। तो चलिए इसका मैंने कर्व को लिया और इसके वाले भी कर्व को ले लिया। अब इसके अलावा जो है ना थोड़ा सा चीज बच रहा है और वो कुछ और नहीं बल्कि देखो यहां, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो और मैं कैमरे में शो कर पा रहा हूं, तो देखो यहां जो छोटा सा है ना, ये पतला सा रिंग टाइप का चीज बच रहा है। इसको मैं अगर फिगर में दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखा सकता हूं। देखो तो कुछ ऐसा एरिया हल्का सा यहां बच रहा है, राइट ना। इस चीज को आप समझ पा रहे हो ना, आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। तो इसकी एरिया कितनी होगी, तो प्लस कर लेते हैं। तो इसकी एरिया कितनी होगी जानते हो? ये देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बस इन दोनों की एरिया को हमें माइनस कर देनी है। तो देखो मैं यहां लिखता हूं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बस ये काम कर लो और अल्टीमेटली अब हमारे पास तीनों के एरियाज हैं जो अल्टीमेटली होगा टोटल सरफेस एरिया। पहले मैंने इसको लिखा, फिर इसको लिखा और फिर ये जो छोटा सा रह गया था उसको भी मैंने यहां लिख डाला। इसके बाद जो भी रेडियस और एल या जो कुछ भी सारे वैल्यूज दिए होंगे, इन सारे वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर दोगे तो अल्टीमेटली एट द एंड आपको मिल जाएगा टोटल सर्फेस एरिया, इसका जो कुछ भी इसका आप नाम दे सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई छोटी सी कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।